हम सब जानते हैं भाई कि ओडीआई वर्ल्ड कप का हवा बना हुआ है, और क्यों भी ना बने, काफी नजदीक भी है ओडीआई वर्ल्ड कप, अब तो केवल 3 महीने दूर है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आईसीसी जब भी दूसरे देशों में वर्ल्ड कप रखती है और जब इंडिया में वर्ल्ड कप रखती है तो आईसीसी बीसीसीआई को कितना मुनाफा होता है? कैसे जानेंगे आप? क्योंकि ये जो है कलेक्शन दिखाया थोड़ी ज्यादा है, कोई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं है इसका। फिर भी एक झटका आपको देने के लिए हम ये बता दें कि 2019 में जब इंग्लैंड में वर्ल्ड कप रखा गया था तो इंडिया के वर्ल्ड कप से उसकी कमाई 600 करोड़ कम थी। हाँ, बीसीसीआई और आईसीसी जब भी इंडिया में वर्ल्ड कप रखते हैं खूब सारा माल कमाते हैं। बताइए, ऐसे ही थोड़ी ना, बीसीसीआई को सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड कहा जाता है। पैसे कमाने के मामले में हमारे क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा आगे हैं, लेकिन इंडियन फुटबॉल और हॉकी की बात करें तो वो ट्रॉफीज कमाने में इंडियन क्रिकेट टीम से थोड़ा सा ज्यादा आगे। ओडीआई इतना महंगा और इतना फेमस प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि ओडीआई को अब बंद कर दीजिए, जैसे कि वसीम अकरम। ये गेम है भाई। इसके पीछे वसीम साहब रीजन तो बताइए। तो वसीम साहब ने रीजन बताया कि भैया देखिए, 50-50 ओवर का मैच होता है, क्रिकेटर्स भी थक जाते हैं और देखने वाली ऑडियंस भी थक जाती है। बताइए, अब इनके हिसाब से तो हमें टेस्ट क्रिकेट भी बंद कर देना चाहिए। आगे बढ़कर वसीम साहब कहते हैं कि 20-20 ओवर के मैच ही सबसे सही है, जल्दी मैच खत्म भी हो जाता है, लोग घर भी चले जाते हैं, और तो और कमाई भी 20-20 मैचेस में ज्यादा होती है। कुछ हद तक मैं इनकी बात पर सहमत हूँ। हालांकि जब T20 में पैसा कमाने की बात आती है तब T20 में प्लेयर्स अधिकतर पैसा कमाते हैं ज्यादा। तुम दोनों को मेरे पे विश्वास है ना? लेकिन इनकी बात सुनने के बाद ये तो तय हो गया है कि पाकिस्तान T20 क्रिकेट में क्यों अच्छा परफॉर्म करती है और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे क्यों लल्लू पंजू है। पाकिस्तान की लेनी बाद में करेंगे, अभी बात करते हैं आईसीसी और बीसीसीआई पर लौट के। इस बार बीसीसीआई अपनी पूरी जान लगाने की फिराक में ओडीआई को मोस्ट सक्सेसफुल टूर्नामेंट बनाने के लिए ये मानना है हमारे दादा सौरभ गांगुली का कि आईसीसी को इंडिया में मैच रखवाने में जितना ज्यादा मजा मिलता है वो मजा दूसरे देशों में नहीं है। और ये बात तो हमारे जय शाह ने भी कही। देखिए, ओडीआई का अस्तित्व शायद हमारे डायनासोर्स की तरह ही खत्म हो जाता है, लेकिन हम इंडिया वाले इसलिए होस्ट कर रहे हैं क्योंकि आने वाले जो ओडीआई के 6 हफ्ते होंगे इसे पूरी दुनिया याद रखेगी। भाई, अगर इंडियन टीम ओडीआई वर्ल्ड कप जीत जाती है तो छप्पड़ फाड़ के मजा तो बरसेगा ही आसमान से, लेकिन इसका एक फायदा ये और है कि अगले 5-6 साल तक ओडीआई का सिनेरियो कहीं भी नहीं जाने वाला और आने वाले कुछ सालों तक हमारे ओडीआई फॉर्मेट की जान भी बच जाएगी। खैर, हमें क्या है कि भाई बीसीसीआई आईसीसी चाहे जितना पैसा कमाए, चाहे दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड ही बने, लेकिन हम क्रिकेट प्रेमियों की तो एक ही डिमांड है कि हमारी वर्ल्ड कप ट्रॉफी वापस लेके आओ। और बात जब चली थी T20 क्रिकेट की तो हम ये और बता दें कि आगे आने वाली वीडियोस में हम अपडेट करेंगे एशियन टीम्स की, जहां पे ओडीआई वर्ल्ड कप में जो लोग खेल रहे हैं वो एशिया कप में नहीं खेले, और उनकी टीम देख के तो ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी टीम आईपीएल T20 फॉर्मेट से उठाई गई है, और इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा भारतीय क्रिकेट टीम को और दर्शकों को। चलिए, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हाथ जोड़ के आपको राम राम। आगे आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे ओडीआई वर्ल्ड कप के शेड्यूल की और टीम्स की।